तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे असेसमेंट वर्कशीट 7 इंग्लिश क्लास 9 जो कि आपको 11 अक्टूबर को प्रोवाइड किया गया। बच्चों क्लास 6 to 10 सबके असेसमेंट आ गए हैं। दूसरी बात, आपका आज जो असेसमेंट आया कल यानी अगले नेक्स्ट 4 डे आपके असेसमेंट नहीं आएंगे। सैटरडे को हिंदी का आएगा, बाकी जो 3 बचेंगे वो नेक्स्ट वीक प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। बाकी 4 दिन आपकी छुट्टी है इस वीक में, ध्यान रखना। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 7 में उनके आंसर ऑप्शन वाइज क्वेश्चन है। 10 नंबर के 10 क्वेश्चन है, जैसा कि आपको पता है पहले भी कर रखे हो तो आप काफ़ी परिचित हो। तो जैसा कि देख रहे हो पहला क्वेश्चन है, अल्बर्ट्स वर्क्स ऑन जनरल थ्योरी रिलेटिविटी वाज प्रोक्लेम्ड बाय द न्यूज़पेपर रेस। तो फर्स्ट में आपका बी ऑप्शन राइट है, ए साइंटिफिक रिवोल्यूशन, ठीक है ना, रिवोल्यूशन हो गया क्लियर। तो फर्स्ट में बी ऑप्शन राइट है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका बच्चों, आइंस्टीन वाज डीपली सेकेंड ड्यू टू द डिस्ट्रैक्शंस कॉस्ड बाय, यहाँ पर भी बी ऑप्शन आपका राइट है। थर्ड क्वेश्चन है, आफ्टर फिनिशिंग ग्रेजुएशन अल्बर्ट्स वर्कड एज आ, तो थर्ड में बच्चों हमारा सी ऑप्शन राइट है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 4, आइंस्टीन्स मदर वाज बोदर्ड बाय द इंटेलिजेंस ऑफ, तो यहाँ पर हमारा 4th में ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 5th, एक बार फिर से देख लो, फर्स्ट में बी ऑप्शन राइट है, सेकंड में बी ऑप्शन राइट है, थर्ड में सी ऑप्शन राइट है, फोर्थ में ए ऑप्शन राइट है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, एट व्हाट पॉइंट इन द फेयर डिड द चाइल्ड लॉस हिज पेरेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है आपका, ठीक है। अगला 6, व्हाट डिड द चाइल्ड वांट टू हैव एट द फ्लावर शॉप, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा सी ऑप्शन इसमें भी राइट होगा, ठीक है। अगला 7 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, हाउ डिड द फॉलोइंग मस्टर्ड फील्ड लुक, तो यहाँ पर हमारा 7 में सी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है 7 में भी। 8 क्वेश्चन है, द नेम ऑफ द मैरिज, क्वेश्चन नंबर 8, द नेम ऑफ द मैरिज सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द पोंड नियर अब्दुल्स हाउस वॉज, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा बच्चों, 8 में बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। फिर से देख लो, 5 क्वेश्चन में डी ऑप्शन राइट है, 6 में सी ऑप्शन राइट है, 6 क्वेश्चन नंबर 6, 7 में सी ऑप्शन राइट है, 8 में बी ऑप्शन राइट है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, अब्दुल फादर्स बिलीव्ड इन, तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, फ्रीडम ऑफ थॉट, क्लियर है। 10 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, हु हेल्प्ड कलाम इन गेटिंग हिज फर्स्ट वेजेस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, हिज कज़िन, ठीक है ना, क्लियर है। शमसुद्दीन जो थे उनके कज़िन थे, जो तेरे भाई उन्होंने, ठीक है ना, उनकी मदद की थी। तो ये आपका असेसमेंट 7 था, 10 क्वेश्चन सारे कंप्लीट हुए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट असेसमेंट के आंसर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।